हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियंका गौर। वेलकम टू लर्निंग विद बेस। तो आज हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के सिविक्स चैप्टर नंबर 9, और ये है अर्बन लाइवलीहुड्स। तो आज हम ये लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेज पे कुछ दिया नहीं हुआ है, ये पिक्चर दी गई है जिसके थ्रू आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस तरीके से सिटी में लोग रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए, जो लेसन है उसकी शुरुआत होती है एक कहानी से। तो यहाँ पर जो कहानी बता रहे होते हैं वो कहते हैं कि मेरा एक कज़न है, वो शहर में रहता है और मैं उस शहर में फ्यू टाइम्स गया हूँ। ये शहर बहुत बड़ा है और मेरा कज़न इस शहर को दिखाने के लिए ही आस्ट मी टू गो आउट, और हम सुबह सुबह जल्दी चले गए शहर के कॉर्नर कॉर्नर में, जस्ट टू लुक अराउंड एंड जस्ट टू रोम अराउंड। तो क्या होता है कि उन्होंने अर्ली मॉर्निंग में ये देखा कि जो मेन स्ट्रीट है उस पर बहुत सारी बिजी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि जो वेजिटेबल बेचने वाले होते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स जो होते हैं, वो अपने टोमेटोज, कैरेट्स, क्यूकम्बर, वो सब बास्केट्स में रख कर उनको वो अरेंज कर रहे थे ताकि जो उनकी स्टॉल है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो सके और लोग देख पाएँ कि एक्चुअल में उनकी स्टॉल में क्या क्या वेजिटेबल्स हैं। यहाँ पर ये बताते हैं कि सड़कें कितनी बिजी थी, लोग क्या क्या काम कर रहे थे। तो जैसे कि जो वेजिटेबल वेंडर थी उसी के पास में एक फ्लावर की स्टॉल थी, वहाँ पर सुंदर सुंदर फ्लावर मिल रहे थे। तो हम लोगों ने दो फ्लावर खरीदे, एक तो रेड रोज़ और एक वाइट रोज़। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि पेवमेंट के बिल्कुल अपोजिट कोई न्यूज़पेपर बेचने वाला था, क्योंकि सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते थे। बसेस जो हैं वो यहाँ वहाँ गुजर रही थी, ऑटो रिक्शाज जो हैं उसके अंदर बच्चे बैठे हुए थे स्कूल जाने के लिए, और एक पेड़ के नीचे कोबलर बैठा हुआ था जिसे मोची कहते हैं, और वो अपने टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट एक स्मॉल बॉक्स से निकाल रहा था। और पास में ही एक बार्बर की शॉप थी, उसके पास ऑलरेडी कस्टमर थे जिनको सुबह सुबह मॉर्निंग में शेव कराना था। यहाँ पर ये कहते हैं कि वुमेन जो है वो एक कार्ट को पुश कर रही थी, उस कार्ट के अंदर प्लास्टिक बॉटल्स थी, बॉक्सेस थे, हेयर पिंस थे, क्लिप्स थी, तो ऐसा कुछ सामान था। और एक जो आदमी था उनके अलावा वो साइकिल की ट्रॉली को कैरी कर रहा था और उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स थी, और वो लोगों को घर घर बेचने के लिए उस ट्रॉली को कैरी कर रहा था। फिर वो कहते हैं कि पास में ही जो रिक्शा है वो भी खड़ी हुई थी, तो वो सभी लोग क्या कर रहे थे, रिक्शा वाले वो कस्टमर्स के लिए वेट कर रहे थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मार्केट चलते हैं, और रिक्शा हमने ली जो कि 2 किलोमीटर दूर थी। तो यहाँ पर उस रिक्शा वाले ने अपनी यहाँ पर स्टोरी बताई है, एक बार ये देख लीजिए। तो यहाँ पर बच्चू मांझी जो हैं वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि किस तरीके से बिहार से वो शहर में आए और वो माइग्रेट हुए। तो यहाँ पर ये माइग्रेशन का एग्जांपल है, याद रखना। जैसे कि हमने रूरल लाइवलीहुड्स में एंड अदर चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा है कि लोग माइग्रेट कर जाते हैं गाँव से शहर में, तो ये रीज़न है। यहाँ पर आपको उसका रीज़न दिखेगा कि काम की तलाश में कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होते हैं। तो यहाँ पर बच्चू मांझी कहते हैं कि मैं एक गांव से हूँ जो कि है बिहार में, और मैं वहाँ पर बिहार में क्या था, मिस्त्री था। मेरे जो वाइफ है और जो मेरे 3 बच्चे हैं वो गांव में ही रहते हैं, और मुझे मिस्त्री के वर्क से ना रेगुलर पैसे नहीं मिलते थे गांव में, और इनकम जो भी मैं अर्न करता था पूरे दिन का, उसे पूरी फैमिली का पेट नहीं भर पाता था, वो इनफ नहीं होती थी पूरी फैमिली के लिए वो पैसा। तो इसीलिए मुझे शहर आना पड़ा, यहाँ पर मैंने रिक्शा खरीदी, इंस्टॉलमेंट में मैंने इसे लिया, रिक्शा को इंस्टॉलमेंट में मैंने इसका पैसा दिया। और फिर ये बताते हैं कि मैं यहाँ हर सुबह आता हूँ, कस्टमर्स को लेके जाता हूँ जहाँ भी वो जाना चाहते हैं, और मैं यहाँ काम करता हूँ शाम के 8:30 बजे तक। वो यहाँ पर बताते हैं कि मैं राइड्स को 6 किलोमीटर तक लेके जाता हूँ सराउंडिंग द एरिया, मतलब आसपास के एरियाज़ में, और जो कस्टमर्स होते हैं वो मुझे 5 to 10 जो ट्रिप का पैसा है जहाँ तक वो जाते हैं वो डिस्टेंस के हिसाब से मुझे देते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस है तो 5, लॉन्ग डिस्टेंस है तो 10। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि वो एक रेंट के रूम पर रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ भी बताते हैं कि जिस दिन वो बीमार पड़ जाते हैं उस दिन कोई अर्निंग नहीं होती, तो वो काफ़ी इनके लिए क्राइसिस वाला डे होता है। और यहाँ पर ये अपने दोस्तों के साथ रेंटेड रूम पर रहते हैं, इनके दोस्त नियर बाय फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि मेरे पर डे के 80 to 100 रुपीज़ हो जाते हैं, जिसमें से 50 से 60 रुपये तो फूड एंड रेंट पे ही चले जाते हैं, और जो बचते हैं वो मैं अपनी फैमिली के लिए सेव करता हूँ, क्योंकि मैं अपने गांव में अपनी फैमिली को देखने के लिए पूरे साल में 2 से 3 बार चला जाता हूँ, और मैं उनको पैसे फिर देता हूँ।
हालांकि जो मेरी फैमिली है वो सर्वाइव करती है उन पैसों से जो मेरी वाइफ कमाती है एग्रीकल्चरल वर्क करके। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो एग्रीकल्चरल वर्क करके कमाती है, जिससे एटलीस्ट डेली बेसिस का खाना पीना पूरा हो जाए, और ये यहाँ पर शहर में कमाते हैं और फिर अपने फैमिली के लिए ये कुछ पैसे बचाते हैं, और साल में 2 से 3 बार ये जाते हैं और उनको पैसे देते हैं। तो यहाँ पर ये बताते हैं अपनी स्टोरी। बच्चू मांझी की तरह शहर में कई लोग हैं जो स्ट्रीट पर काम करते हैं। एक सर्वे किया गया अहमदाबाद में, उसमें ये देखा गया कि कितने परसेंट लोग स्ट्रीट पर काम करते हैं, कितने वर्कर हैं जो स्ट्रीट पर काम करते हैं। तो परसेंटेज मिली 12। तो 12% जो वर्कर हैं वो स्ट्रीट पर काम करते हैं, या तो वो कुछ सामान बेचेंगे या उसको रिपेयर करेंगे या फिर वो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो लोग हैं ये अपने आप काम करते हैं, ये किसी के लिए काम नहीं करते, मतलब इनका खुद का काम होता है, किसी और ने इनको अपॉइंट नहीं किया हुआ होता या एम्प्लॉयमेंट नहीं दी हुई होती। तो इनको खुद ही सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, खुद मैनेज करना पड़ता है, खुद प्लान बनाने पड़ते हैं कि कितना ख़रीदना है, कहाँ पर कैसे शॉप सेटअप करनी है। और जो इनकी शॉप है ना वो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर की होती है, जैसे कि क्या होता है कि कभी कभार ये जो डिस्कार्डेड बॉक्स होते हैं ना उनके ऊपर पेपर बिछा लेते हैं, या फिर कोई ऐसे ही बोर्ड बिछा लेते हैं उसके ऊपर अपना सामान रख लेते हैं, या फिर कैनवस के ऊपर जो है वो शीट हंग अप कर देते हैं कुछ पोल्स लगा के चारों तरफ। तो एक ऐसी फेरी सी बना लेते हैं ये लोग, या तो ये लोग खुद की कार्ट यूज़ करते हैं, या फिर सिंपली क्या करते हैं ये पेवमेंट पर अपनी जो इनके पास शीट होती है वो स्प्रेड कर देते हैं, उस पर अपना सामान रखते हैं, फिर उस सामान को बेचते हैं। लेकिन इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि पुलिस भी किसी भी टाइम आकर इनको कह देती है कि अपनी शॉप यहाँ से डिसमेंटल कर लो, दैट मीन्स यहाँ से हटा लो। और जो सिटी है उसमें बहुत सारी जगहों पर तो इन लोगों को अलाउड ही नहीं है होकर्स को कि वो एंटर कर पाएँ और सामान बेच पाएँ। तो जो वेंडर्स होते हैं, जो कुछ सामान ऐसा होता है ना जो खाने पीने का होता है, वो ऑफन उनके घर पर ही बना हुआ होता है, वो सामान को परचेज़ करते हैं, क्लीन करके सॉर्ट करके फिर उनको रेडी करते हैं बेचने के लिए। जैसे फूड आइटम या स्नैक आइटम्स जो स्ट्रीट पर मिलता है वो उनके घर पर ही प्रिपेयर होता है। देखिए अगर पूरी कंट्री की बात करें तो 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स है जो अर्बन एरियाज़ में काम कर रहे हैं। पहले स्ट्रीट वेंडिंग को ऑब्स्ट्रक्शन माना जाता था ट्रैफिक एंड पीपल वॉकिंग के लिए, क्योंकि फ्री फ्लो नहीं हो पाता था, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने एफर्ट के उनके एफर्ट की वजह से इसको अब रिकॉग्नाइज़ किया जाने लगा एज अ जनरल बेनिफिट, और इसको एक ये रिकॉग्नाइजेशन मिला कि इन लोगों का ये राइट है कि वो अपने लाइवलीहुड को अर्न करें। गवर्नमेंट ने अब ये भी सोचा कि जो लॉज इन्होंने प्रोहिबिशन के बनाए हुए थे स्ट्रीट वेंडर्स पे, तो उनको भी मॉडिफाई किया जाए। कैसे प्रोहिबिशन बनाए हुए थे, इन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स को पहले बैन किया हुआ था कुछ एरियाज़ में, तो उनको भी अब मॉडिफाई करने की कोशिश की, ताकि जो ट्रैफिक फ्लो है वो भी फ्री फ्लो हो, ट्रैफिक फ्लो में भी कोई जाम ना लगे, पीपल वॉकिंग में भी कोई प्रॉब्लम ना हो लोगों को, और इन लोगों को अपना एक प्लेस भी मिल जाए काम करने के लिए। और गवर्नमेंट ने ये सब लॉज इसीलिए बनाए हैं। अब हॉकिंग जोन्स जो है वो भी सजेस्ट किए गए, ताकि लोगों को एक रो में होकर्स मिल जाएं, और ये भी सजेस्ट किया गया कि जो मोबाइल वेंडर्स हैं वो अपने मार्केटिंग के लिए यहाँ से वहाँ फ्रीली घूम सकते हैं। अब यहाँ पर उनकी जो कज़न है वो एक मार्केट सीन बताती हैं कि वो मार्केट में पहुँचने वाले थे, तभी उसी टाइम पर जो शॉप्स थे वो ओपन हो रही थी, और इतनी भीड़ थी क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न था और लोग ये सब सामान बेच रहे थे, जैसे स्वीट्स, टॉयज़, क्लोथ्स, फुटवेयर्स एट्सेट्रा। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि उनको जो डेंटिस्ट के क्लिनिक पे जाना था तो वो बिल्कुल एंड में था, और मेरी जो कज़न है उनका एक अपॉइंटमेंट था डेंटिस्ट के पास में। हमने थोड़ी देर रूम में वेट किया, फिर उनको अंदर बुलाया गया था, और जो डेंटिस्ट है उन्होंने एग्जामिन किया उनके टीथ को और कहा कि फॉलो अप डे के दिन आना। फॉलो अप डे मतलब कोई उन्होंने दिन दिया होगा तो उस दिन वो आना है उनको, और अपनी जो टूथ की कैविटी है वो फिल करानी है। इस चीज़ पर मेरी जो कज़न थी वो बहुत स्केयर्ड हो गई थी, बहुत डर गई थी, क्योंकि उसको एक तो ये भी था कि क्यों उसने अपने टीथ को ख़राब किया कि उसमें कैविटी लग गई, तो वो थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि उसे ये था कि ये प्रोसेस बहुत पेनफुल होगा, और वो अपसेट भी थी। अब डेंटल शॉप के बाद मेरी कज़न मुझे गारमेंट्स शोरूम में लेके गई, क्योंकि मुझे रेडीमेड कपड़े ख़रीदने थे। अब जो शोरूम था उस पर 3 फ्लोर थे, तो वो दोनों 3rd फ्लोर पर गए क्योंकि वहाँ पर क्लोथ्स का सेक्शन गर्ल्स के लिए था। अब आगे बात करते हैं बिजनेस पर्सन्स की, हरप्रीत एंड वंदना के बारे में।
तो चलिए इनकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हरप्रीत कहती हैं कि मेरे फादर और मेरे जो अंकल हैं उनकी स्मॉल शॉप है, और फेस्टिवल के टाइम पर या संडे के टाइम पर मेरी मदर और मुझे उस शॉप में हेल्प करानी पड़ती है, और मैंने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ही ये काम स्टार्ट कर दिया था, ऐसा हरप्रीत कहती हैं। अब वंदना कहती है कि हमारा एक शोरूम है जो हमने अभी कुछ ईयर्स पहले ही उसको ओपन किया था। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ और लोग आज के टाइम पर रेडीमेड कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन गेटिंग दम स्टिच्ड, मतलब आजकल लोग सिलाई करवा कर पहनना कम पसंद करते हैं। तो इसी वजह से रेडीमेड कपड़ों की वजह से एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले होना शोरूम में बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से हमें अपने शोरूम के लिए बहुत सारी अच्छे अच्छे जो मटीरियल हैं वो हमें डिफरेंट प्लेसेस से ख़रीदने पड़ते हैं। तो यहाँ पर वो बताती हैं कि वो कहाँ कहाँ से चीज़ें खरीदते हैं, मटीरियल खरीदते हैं, जिसको हम नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर वंदना बताती हैं कि कहाँ कहाँ से वो मटेरियल खरीदते हैं, मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा, और कुछ मटेरियल नोएडा एंड गुड़गांव से भी खरीदते हैं, ये दोनों दिल्ली के पास पड़ते हैं शहर, और साथ ही साथ कुछ मटेरियल, कुछ ड्रेस उनको फॉरेन कंट्री से भी खरीदनी पड़ती हैं। अब वो कहती हैं कि शोरूम को प्रॉपरली रन करने के लिए सेवरल थिंग्स उनको करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है न्यूज़पेपर में, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविजन्स में, रेडियो चैनल्स पे। और ये जो बिल्डिंग है ये अभी तो रेंटेड है, लेकिन हम इसको बाय करने की सोच रहे हैं, ख़रीदने की सोच रहे हैं, क्योंकि जब से ये मार्केट मेन मार्केट बनी है तो लोग यहाँ अपार्टमेंट में आसपास रह रहे हैं, इसी वजह से हमारा जो बिज़नेस है वो भी ग्रो हो चुका है। और ग्रो होने की वजह से, मतलब बिज़नेस अच्छा चलने की वजह से, हमने एक कार भी ख़रीद ली है और एक फ़्लैट भी, लाइक एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक फ़्लैट भी हमने बुक कर लिया है। अब हरप्रीत एंड वंदना की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी खुद की शॉप हैं, लाइक मार्केट में, शहरों की मार्केट में। ये शॉप जो हैं स्मॉल भी हैं किसी के पास, किसी के पास लार्ज भी हैं, और सभी जगह पर डिफरेंट डिफरेंट सामान जो है वो बेचे जाते हैं। और जो भी ये लोग हैं ये किसी के द्वारा एम्प्लॉयड नहीं हैं, क्योंकि ये खुद ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। इंस्टेड ये लोगों को अपने नीचे रखते हैं एज अ वर्कर या फिर एज अ सुपरवाइज़र एंड हेल्पर्स। अब जो भी ये शॉप्स होती हैं इनके पास परमानेंट लाइसेंस होता है, और ये लाइसेंस इनको कहाँ से मिलता है, ये लाइसेंस इनको मिलता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। अब जैसा कि देखिए हम शहर की बात कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम आया है, तो यहाँ से रिलेट करते हुए चलना चीज़ों को, ओके। और क्योंकि हमने पढ़ा था ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, काउंसिल टाउन्स के लिए, छोटे शहरों के लिए, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिग सिटीज़ के लिए होता है। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही है जो ये डिसाइड करती है कि मार्केट वीक में, हफ्ता में किस दिन क्लोज रहेंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, ये मार्केट वेंसडे को बंद रहे। अब इस मार्केट में और भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि बैंक की, कोरियर एंड अदर सर्विसेज एज वेल। अब वो कहती हैं कि मुझे एक कपड़े पर जरी का काम चाहिए, और क्योंकि मुझे वो ड्रेस जो है एक स्पेशल ओकेज़न पर पहननी है। मेरी कज़न कहती है कि वो एक निर्मला को जानती है जो कि गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। अब जो निर्मला की नेबर है वो जरी का काम करती है, एम्ब्रॉयडरी का काम करती है। तो हम दोनों ने क्या किया, हमने बस पकड़ी और हम उस फैक्ट्री एरिया की तरफ जाने लगे। बस में बहुत ज़्यादा क्राउड था और हर स्टॉप पर लोग जो है वो बोर्ड होते ही जा रहे थे, लोग चढ़ते ही जा रहे थे, लोग एक दूसरे को पुश भी कर रहे थे। तो मेरी कज़न ने कहा कि स्क्वैश होने से अच्छा है कि कॉर्नर में खड़े हो जाओ, ये धक्का मुक्की से बच जाओगी। अब मुझे बहुत वंडर हुआ ये सोच कर कि लोग इस तरीके से कैसे डेली बेसिस पर ट्रैवल कर लेते हैं। और जैसे ही फैक्ट्री एरिया की तरफ बस रुकी तो सभी लोग बाहर निकलने लगे और हम भी बाहर आ गए, और एक बहुत रिलीफ मिला हम लोगों को बाहर आके। अब जब हम उतरे तो हमने देखा कि यहाँ पर रेलिंग पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कुछ ग्रुप में। अब कुछ लोग जो हैं वो स्कूटर पे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का वेट कर रहे हों। इसी बात पर मेरी कज़न कहती है कि ये जो है लेबर चौक है, यहाँ से डेली बेसिस पर लेबरर्स मिल जाते हैं जो मैसन्स को हेल्प करते हैं। जैसे कि ये लोग कहीं पर कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा होता है तो वहाँ पर जो सामान ढोने का काम है वो सब ये करते रहते हैं, या सामान को अनलोड करना है उसमें ये लोग हेल्प कर देते हैं। अब आगे देख लेते हैं।
अब जो ये लोग हैं, ये लोग पाइपलाइंस को डिग करते हैं, टेलीफोन केबल्स में काम करते हैं, रोड को बिल्ड कराने में हेल्प करते हैं। ऐसे कैजुअल जो वर्कर्स हैं वो शहरों में थाउजेंड्स के अमाउंट में मिल जाएंगे, मतलब हज़ारों की संख्या में ये लोग मिल जाएंगे। अब ये यहाँ पर बताती हैं कि वो निर्मला को ढूंढने के लिए फैक्ट्री एरिया गए थे, वहाँ पर बहुत सारी स्मॉल स्मॉल वर्कशॉप्स थी और एंडलेस रोज थी, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो हमने एक सेक्शन में देखा कि सुइंग मशीन वाला सेक्शन है, वहाँ पर जो क्लोथ्स हैं वो स्टिच हो रहे हैं और एक ही इंसान, एक ही मतलब जो वर्कर है वो एक सुइंग मशीन को ऑपरेट कर रहा है। इन्होंने फिर निर्मला को लोकेट किया। निर्मला कहाँ पर काम करती है? स्टिचिंग यूनिट में काम करती है। वो मेरी कज़न से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने प्रॉमिस किया कि वो ड्रेस जो है वो टाइम पर कंप्लीट करके दे देंगी, प्लस उस पर जरी का काम भी वो कर देंगी। अब निर्मला जो है वो एक टेलर की तरह काम करती है एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में, मतलब जो भी ये लोग फैक्ट्री में बनाते हैं वो समर के टाइम पर फॉरेन में क्या कर दिए जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में उनको भेजा जाता है, जैसे कि यूएसए, यूके, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स में। अब जो निर्मला जैसे लोग हैं इनको लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ता है, और कितने मंथ्स तक इनको काम करना पड़ता है, दिसंबर से लेके अप्रैल तक इनको काम करना पड़ता है। अगर नॉर्मल डेज में देखें ये सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 10 बजे आते हैं, लेकिन कभी कभी इनको एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ जाता है। हफ्ते में एक दिन इनकी छुट्टी होती है और 6 डेज ये काम करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई काम अगर इनको अर्जेंटली फिनिश करना होता है तो ये संडे को भी काम करते हैं। और पर डे निर्मला को कितने रुपए मिलते हैं? 80 रुपये मिलते हैं। अब जो 80 रुपीज़ है वो इनको 8 आवर्स के मिलते हैं, और अगर ये एक्स्ट्रा काम करते हैं तो इनको 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब जून के टाइम पर काम जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है, तो इसी वजह से लोगों को बोला जाता है कि अब यहाँ पर काम ख़त्म कीजिए। अब निर्मला जो है उनको भी बोला जाता है कि अब आप काम छोड़ सकते हैं। तो पूरे साल में 3 से 4 महीने निर्मला जैसे लोगों के पास कोई काम नहीं होता, और ये जो वर्कर है निर्मला जैसे, इनके एम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है या ऐसे एम्प्लॉयड को कहा जाता है, एम्प्लॉयड वर्कर को कहा जाता है कैजुअल बेसिस, मतलब इनकी जब ज़रूरत होती है तब इनको बुलाया जाता है, जब काम ख़त्म हो जाता है तो इनको बोला जाता है कि अब आप यहां से जा सकते हैं। तो ऐसा एम्प्लॉयर करते हैं। एम्प्लॉयर कौन होते हैं? जो इनके ओनर होते हैं, जिनको इनकी ज़रूरत होती है। निर्मला जैसे जितने भी काम करने वाले वर्कर्स होते हैं इनको एक सीज़न पर ही बुलाया जाता है, सर्टेन सीज़न पर ही इनको काम मिलता है, और जो अदर डेज़ अदर मंथ्स जो रह जाते हैं जिसमें इनको काम नहीं मिलता तो इनको अदर काम ढूंढने पड़ते हैं रादर देन स्टिचिंग। अब जो निर्मला की जॉब है, ऐसे ही अदर वर्कर्स भी हैं, उनकी जॉब भी परमानेंट नहीं होती, ना ही इनकी जॉब में कोई सिक्योरिटी है, ना कोई प्रोटेक्शन है, और इनसे बस यही देखा जाता है, यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये लॉन्ग आवर्स के लिए काम करें। अगर ये लोग अब कंप्लेंट भी करते हैं ना अपने ओनर से, तो इनको कहा जाता है अगर आपको यहाँ का कंडीशन पसंद नहीं आ रहा है सो यू कैन लीव। तो यहाँ पर इनको बोल दिया जाता है कि आप काम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर फैक्ट्रीज में 24 घंटे काम चलता है, जैसे कि दिन में अगर एक वर्कर 12 घंटे काम कर रहा है तो उसी के रिप्लेसमेंट में रात को दूसरा वर्कर आएगा जो 12 घंटे काम करेगा। अब जो मेरी आंट है सुधा, वो एक मार्केटिंग मैनेजर हैं, उन्होंने हमें कहा था कि उनके ऑफिस में हम शाम के 5:30 बजे से पहले पहुंच जाए। हम लोगों ने रिक्शा ली और हम लोगों ने मैनेज किया कि वहाँ पर टाइम पर हम पहुंच गए थे। उनके ऑफिस के पास बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लोग जो वहाँ पर काम करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वहाँ से बाहर आ रहे थे काम ख़त्म करके, और कुछ लोग जो है वो अपने कार के लिए कार पार्किंग की तरफ जा रहे थे, और कुछ लोग जो बसेज हैं उनकी तरफ जा रहे थे। मेरी आंट जो है वो एक मार्केटिंग मैनेजर है एक कंपनी में जो बिस्किट मैन्युफैक्चर करती है, और ये जो बिस्किट्स बनते हैं ये फैक्ट्री के बाहर बनते हैं, आउटसाइड द सिटी बनते हैं, और वो कम से कम 50 सेल पर्सन्स को सुपरवाइज करते हैं जो डिफरेंट पार्ट में लाइक शहर के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाकर उन सामानों को वो बेचते हैं। अब इन लोगों को शॉपकीपर से ऑर्डर मिल जाते हैं, फिर ये लोग पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं। अब जो ये सिटी है इसको 6 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, लाइक एरियाज में डिवाइड किया गया है। मेरी जो आंट है वो हर एक रीजन के सेल्स पर्सन से मिलती हैं वीक में एक बार, फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट को तैयार करती हैं और उन सब प्रॉब्लम को डिस्कस करती हैं जो सेल्स पर्सन फेस कर रहे होते हैं। और जो मेरी आंट है उनको एंटायर सिटी के लिए सेल्स प्लान करने पड़ते हैं, और काफ़ी लेट तक भी उनको काम करना पड़ता है, और उनको ट्रैवल करना पड़ता है डिफरेंट प्लेसेस में। अब उनको रेगुलर सैलरी मिलती है मंथली, और वो एक परमानेंट वर्कर हैं, तो इसी वजह से उनकी जो जॉब है वो एक परमानेंट है और परमानेंट उनको सैलरी मिलती है। परमानेंट वर्कर होने की वजह से उनको
कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि उनकी ओल्ड एज के लिए उनके पास अच्छी खासी सेविंग है, क्योंकि उनकी जो सैलरी है उसमें से कुछ हिस्सा जो है गवर्नमेंट जो है उनका रख लेती है, फिर बाद में उनको एज अ पेंशन के तौर पर दे दिया जाता है। अब इससे क्या होता है कि वो आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुजार पाएंगे जब वो रिटायर हो जाएंगी। हॉलीडेज़ पर इनको संडे की हॉलीडे मिलती है, नेशनल हॉलीडेज़ तो इनको मिलती ही हैं, एंड उनको एनुअल ऐसा होता है ना कि एनुअल लीव पर भी कुछ दिन दिए जाते हैं, तो वो भी इनको हॉलीडेज़ मिलती हैं। अब इनको कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, इनकी फैमिली के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कोई बीमार पड़ गया है तो उसका जो भी खर्चा होता है, जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होता है वो कंपनी पे करती हैं। और मेरी जो आंट है, कभी वो मेडिकल लीव लेती हैं तो उनकी सैलरी भी नहीं कटती जब वो बीमार होती हैं, तो उनको लीव लेनी पड़ती है लेकिन उनकी सैलरी कट नहीं होती। लेकिन अगर हम देखिए, ये हम बात कर रहे हैं ना अभी की परमानेंट जॉब की, जो वैसी जॉब होती है जैसे टेम्प्रेरी बेसिस पे या सीजनल बेसिस पे जो जॉब होती हैं, वो वर्क डे के हिसाब से, लाइक डे के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, राइट? अब बहुत सारे वर्कर्स हैं जो ऑफिस में, फैक्ट्री में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और जो रेगुलर एम्प्लॉयड हैं और परमानेंट वर्कर हैं मेरी आंट की तरह, जो इनकी आंट है ना सुधा, उनकी तरह। और जो भी ऐसे परमानेंट वर्कर होते हैं उनकी ना तो सैलरी कटती है, उनको प्रॉपर हॉलीडेज़ मिलती है, उनके काम की वजह से उनको जाना जाता है, उनका काम पहचाना जाता है। लेकिन अगर हम कैजुअल वर्कर की बात करें तो उन्हें सीज़न ख़त्म होने के बाद या फिर काम ख़त्म होने के बाद बोल दिया जाता है कि आप काम छोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं वो लोग एक बार भी शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो ओनर हैं वो उनको बोल देते हैं कि अगर आपको परेशानी है तो आप यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं। तो एंड में यहाँ पर चैप्टर को ख़त्म किया गया है। वो कहती हैं कि मैं बहुत थक गई थी, तो हम अपनी आंट की जो कार है उसके अंदर बैठ गए थे और बहुत एग्जॉस्टेड थे, और हमें बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर वो कहती हैं कि मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि यहाँ पर शहर में जो लोग हैं वो एक दूसरे से भले ही कभी ना मिलें, लेकिन फिर भी जो ये काम करते हैं ऐसी चीज़ें इनको बांध के रखती हैं, और इसी से सिटी बनती है, इसी से एक शहर बनता है जिसमें लोग डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, भले ही वो कभी ना मिले लेकिन एक सिटी वो मेड अप करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ये फिनिश होता है। आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास की सिविक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस आर प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, बाय बाय।